राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग तारीख 31 जुलाई सन 1974, प्रयागपुर में परम दयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। तूने ये मकड़ी का जाला क्यों बनाया? ये मकड़ी का जाला है, बात यह है दोस्तों, हमारे इन हर एक इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुछ चाहती रहती है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कुछ चाहती है, कभी वो दौलत चाहती है, कभी वो इज्जत चाहती है, कभी वो मान चाहती है, कभी वो ईश्वर को चाहती है, कभी वो जिंदा रहना चाहती है, कभी वो मुक्ति चाहती है। कुछ चाह है हर एक आदमी के अंदर, तो वो चाह उसको लिए फिरती। योगी योग करता है किसी चाह के लिए, आप स्कूल मास्टर है किसी चाह के लिए, कोई जज है किसी चाह के लिए, हम जो कुछ भी करते हैं कोई चीज है हमारे अंतर वो चाहते हैं। जिस वक्त इंसान जिंदगी में आता है वो तजर्बा करता है कि ये चाह की थी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने ये चाह की थी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने ये चाह की थी ये मुझे शांति नहीं मिलती। तो फिर जहां जहां से उसको ठोकरें लगती जाती है उसको छोड़ के नई चाह पैदा करता जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने बड़ी खुशी से शादी कराई और बच्चे निकल गई, फर्ज करो, तो हम उससे बचना चाहते। ये कोई जिंदगी इस भगवान ने ऐसी ही बनाई? क्या कोई जगह ऐसी है जहां हम जाकर के हमको शांति मिले फिर चाह न रहे? मेरी अब उम्र इस अवस्था में आ गई, मेरी अब उम्र कह करके आया, छोटी उम्र होश आई, पढ़ा लिखा, सर्विस की, फिर ईश्वर के मिलने की ख्वाहिश हुई, फिर योग किया, फिर जप किया, फिर तप किया, करता हुआ चला आ रहा हूं। अब भी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहीं ऐसी जगह जाना चाहती है जहां चाहना हो। ये एक कुदरती जज्बा है। जब इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है फिर वो मरना चाहता है, समझ में आती है, कहता है शीर छूट जाए। तो जिन शख्सों को इस संसार में ठोकरे खा लेते हैं और वो शांति की तलाश करते हैं, ये संतों का मार्ग सिर्फ उनके लिए है, आम दुनिया के लिए नहीं है। आम दुनिया के लिए है, जिंदगी को तजर्बे से गुजारो, पहले फंसो दुनिया में, समझते हो ना? ये हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये क्या है? बताया ही जाता है ना, तजर्बा करो। तो जब इंसान को किसी उम्र में तजर्बा आ जाता है फिर वो सन्यासी हो जाता है। सन्यासी क्या मैंने, वो जितनी चाहें सब छोड़ जाता है। एक आदमी ने केरिये कपड़े पहन लिए, सन्यासी हो गया, मन की चाह न गई, तो उसको सन्यास जैसे उसने लिया जैसे उसने निर्णय लिया। तो आप लोग गृहस्थी हैं, अगर मैं उसकी बात करूंगा
तो आप समझ नहीं सकोगे। अगर मैं ऊंची बात कहूं तो आप समझ नहीं सकोगे। जो आपके मतलब की चीज है वो मैं बात बता देता हूं। हमारे अंदर एक मन है, एक शरीर है, एक हमारा मन है और एक हमारी आत्मा है और एक आत्मा से परे भी कोई चीज है। बच्चा बढ़ता है, छोटा होता है, इतना उसमें बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। देखो तुम अपनी हस्ती को देखो, कितने से छोटे थे, अपने बाप के बीज में एक छोटे से कीड़े थे तुम, जो खुर्दबीन से ही नजर आता था। अब सारे पांच पांच फुट के जवान बने हुए हो। क्यों बने हो? कुदरत का क्या मंशा है? बढ़ो, तारे ब्रह्म बनो। ब्रह के मैंने बढ़ना और मनन के मैंने सोचना, पहले बढ़ो। यह कुदरती जज्बा है बढ़ने का, तो नौजवान बच्चों के लिए और तालीम, जवानों के लिए और तालीम, उधेड़ वालों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम, एक तालीम नहीं है। इस वास्ते संतों के मार्ग में गुरु मत है। हर्ष प्रकृति वाले के लिए अलहदा अलहदा हुक्म है, अलहदा अलहदा हदायतें हैं, ताकि पहले वो बढ़े। जब उसको तजर्बा हो जाएगा तो खुद वो खुद ही फिर वो शांति की तरफ आएगा। अच्छा, अब बढ़ने में क्या चीज है? अगर तुम दुनिया में बढ़ना चाहते हो जिस्मानी तौर से, ख्याली तौर से, इज्जत के, उसके लिए क्या है? कौन चीज हमें बढ़ाती है? हमारी वासना, हमारी चाह। ये चाह कौन पैदा करता है? हमारा मन। ये कैसे तुम बढ़ सकते हो? देखो, तुम रात को सुपने में चले जाते हो, तुम्हारे को गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मारते, तुम्हारा हाथ हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है? अच्छा, अगर तुम डर जाओ तो बड़बड़ाओगे, बोलोगे, तो जो सुनने वाले हैं वो भी तुम्हारी बड़बड़ाहट को सुन के डर जाएंगे। डरते हो कि नहीं डरते? अच्छा, तुम नौजवान हो, सपने में स्त्री बना लेती हो, उसके साथ तुम भोग करती हो, तुम्हारा वीर्य निकल जाता। अब ये साबित हुआ कि जो संकल्प, जो ख्याल तुमने सपने में किया, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर आया या कि नहीं आया? आया या कि नहीं आया? हालांकि वो जो तुमने संकल्प किया सपने में, वो तुमने नियत नहीं किया। अब नियत नहीं किया, मगर जो ख्याल तुम्हारे अंदर नियतन नहीं आया, उसका भी असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ा। पड़ा नहीं पड़ा? तो जो कुछ हम इस जागृत अवस्था में, जैसी जैसी हम आशा और ख्याल और विश्वास या अपने आंख रखते हैं, उसका असर हमारे जिस्म पर क्यों ना पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस वास्ते हिंदू शास्त्रों में, वेदों के मार्ग में हमको कानून है, शिव संकल्पम अस्तु।
वेदों की ये कुंजी है। कल्याणकारी अच्छे ख्याल, शुभ ख्याल, नेक ख्याल रखो, ताकि जिस किस्म के तुम्हारे ख्याल होंगे उसी किस्म के तुम बन जाओगे। सोचने की बात है, ये सत्संग है, मेरे यहां गाना बजाना नहीं। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न हुई। विवेक कहते हैं समझ को, विवेक कहते हैं हमारी बुद्धि की चार किस्में हैं। एक साधारण बुद्धि, एक ज्ञान अकल, और एक विवेक और एक अनुभव। तो सत्संग से समझ लेकर हमको अपने मन के ख्यालात, अपने विचारों, अपनी आशाओं पर काबू करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो बढ़ने का जीवन है ये अच्छा हो जाएगा। जिस शख्स, जिस चीज की कोई आदमी जबरदस्त चाह रखता है, जबरदस्त चाह रखता है विश्वास के साथ, वो उसको मिल जाती है, जल्दी मिले या देर के बाद मिले। जैसी आशा वैसी भाषा, जैसी गति वैसी मति, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वास्ते आप गृहस्थी हैं, उनकी बातें मैं नहीं बताता। हमेशा आशावादी ख्याल लेके जियो, कभी बुरा ख्याल मत करो। जो डरता है वो डराया जाता है। तुम्हारे बच्चे हैं, उनको अच्छा ख्याल दो। अगर तुम बच्चों को हर वक्त तू बुरा है, तू गंदा है, तू बुरा है, तू बुरा है, क्योंकि तुम अपने संकल्प से उसको बुरा मानते हो, तुम्हारे ख्याल की थाल उसके दिमाग पर जाएगी और वो बुरा बन जाएगा। ये गृहस्थ का जीवन की मैं बात कहता हूं आपको। अपने बच्चों को हमेशा इनकरेजिंग, आशावादी ख्याल दिया करो। तुम माताएं आई हो, तुमको बताता हूं, काम को बनाने वाली, मुल्क को बनाने वाली लीडर नहीं है ना, ये माताएं हैं। जिस किस्म की आशाएं माताएं रखती हैं, उस किस्म के असरात उनके बच्चों में जाते हैं और वो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। माता गुरु, पिता गुरु, उस्ताद के गुरु, ये जो गुरुइज्म है, ये रूहानियत का, ये सबके लिए नहीं है। ये तो खास खास आदमी है जिनको उस निर्वाण का या मुक्ति का या अपने घर जाने का ख्याल होता है, उनके लिए और तालीम है। आप गृहस्थी हैं, अगर उस तालीम का जिक्र आपसे करूंगा नहीं समझ में आती है। ये जितनी दुनिया में है ये सब ख्याल की दुनिया है, संकल्पमय दुनिया है। शास्त्र कहते हैं मनमय जगत, मेरे तजर्बे हैं अपने। मेरी लड़की थी, अब वो वीडियो की वाइफ, तो जुवाई मेरे ने बीए पास किया, मैंने शादी कर दी। वो सर्विस नहीं करता था, बेकार रहता था। उसके दिल में ख्याल था मैं वीडियो बनूंगा। तो लड़की मेरी स्कूल पढ़ाती थी और उस रुपए से कुछ मैंने मदद की, उसने अपने
खावन को LLB कराया। तो एक दिन वो स्कूल में जा रही थी तो मैं बाप था, मेरे दिन में आया क्या कर्म है। मैंने कहा बेटी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तू पढ़ाएगी खावन को, क्या हाल है तेरा। वो हंस पड़ी, वो कहती है पिताजी मेरा अपना कसूर है, मैं चाहती थी मैं पराधीन नहीं रहना चाहती, नहीं समझ में आती है अपने पांव पर खड़ी होंगी। तो उसके अपने ही ख्याल के नतीजे में उसके अपने ही कर्म ने उससे ये खेल खिलाया। ये मैं मिसाल दे रहा हूं तुमको। एक लड़की थी MA, मैं उसको छोटी उम्र से प्यार करता था, बड़ा प्रेम करता था। उसकी शादी पर भी मैं गया, मैंने 100-200 रुपए का सामान भी दिया। उसकी शादी हो गई, 5 साल के बाद उसका खावन डॉक्टर था मर गया। अब मेरे दिल में ख्याल आया, लोग तो कहते हैं जिसको संत प्रेम करता है उसकी उन्नति होनी चाहिए, तुम उस लड़की को प्यार करता था, तेरे प्यार ने क्या कर लिया, वो तो विधवा हो गई। ये ख्याल मेरे दिल में मास्टर मोहन लाल आया। वो लड़की मेरे मकान पर आई, मैंने कहा बेटी एक बात पूछता हूँ, सच्ची बात बता दे, गुस्सा तो नहीं करेगा। कहने लगा नहीं। मैंने कहा शादी के बाद तेरे दिल में तेरे खावन के मतलब किस किस्म के ख्याल आते थे, ये सच्ची बात बता दे। उसकी आंखों से आंसू जारी आ गए। उनके पिताजी मैंने आपका सत्संग सुना हुआ है, मेरा अपना ही कसूर है। हमको देखो तुम घरों में रहते हो, कभी गुस्सा तुमको आता है, तुम गुस्से में आकर के जो जो कुछ ख्याल तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, खावन के बरखिलाफ, बच्चों के बरखिलाफ, दरानी के बरखिलाफ, सास के बरखिलाफ होते हैं कि नहीं, सबके उठते हैं। अपने अपने दिलों को सोचो, अपने अपने मनों को सोचो, वो जो ख्यालात हैं वो अगर कुवत इरादी जबरदस्त है तुमको मार लेंगे। इस वास्ते वेद मारा गया शिव संकल्प मस्तु। मैं कोई नई बात तुमको नहीं कह रहा, वही जो कुछ हमारे ऋषि कह गए उनको तर्जी बयान मेरा अपना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली बीवी मर गई, उसको गंभीर यहाँ पाऊं ऐसे ऐसे जल्दी थी ऐसे ऐसे। तो मैं गुरु महाराज के पास लाहौर से होकर वापस गया। 15 दिन के बाद आउट मेरी घर में थी, वो मुझे चिट्ठी आई मर गई। तो मैंने जाना था क्रियाकर्म करने के लिए छुट्टी किया। तो वहाँ जब मैं दाता दया के पास गया तो वहाँ 5-7 अच्छे से पढ़े लिखे कोई मैजिस्ट्रेट कोई वकील बैठे हुए। तो मुझे कहते हैं बाबे अभी तो तू गया फिर क्यों आ गया। मैंने कहा जी मेरी स्त्री मर गई तो मैं पूछने आया हूँ इसका क्रियाकर्म करूँ या ना करूँ, क्योंकि उस वक्त राधा स्वामियों में ये वहम था क्रियाकर्म नहीं करना था, ऐसे वैसे ख्याल थे। तो वो उनको मुखातिब करते हैं, वो जो आदमी बैठे देखो साहब ये फकीर बन के दुनिया में आया मगर ये अपनी औरत का कातिल है, ये अपनी औरत का कातिल है। उन्होंने बड़ी नफरत से मुझे देखा और मैं बोला नहीं। देखो तुम चले गए तो मैंने दाता के पांव पर सिर रखा, मगर महाराज मैंने तो अपनी औरत को नहीं मारा। कहने लगे तुम ये सोचो कभी तुमने नहीं सोचा कि ये मर जाए। मेरा जिस्म कांपा पा, वो बीमार रहती थी, हम गरीब थे, खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो कई दफा मैं दुखी होता, मैं कहता है भगवान या इसको राजी कर दे या जो मर जाए।
समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? तुम गृहस्थी हो, मैं तुमको गृहस्थ का जीवन बताने का राग बता देना चाहता हूँ। रूहानियत की बातें तुम्हारे सामने करूंगा, तुम क्या सीखोगे वो तुमको क्या पता कि रूहानियत क्या बला होती है। अपने तजर्बे बताता, तुम बच्चों को मारती रहती हो, तुम्हें क्या पता कि जब तुम बच्चों को मारती हो उस बच्चे के दिल में क्या दुख होता है? तुम महसूस कर सकती हो? तुमको नहीं पता। मेरा छोटा भाई था वजीर चंद, तो जब माँ मेरी रोटियां पकाया करती थी, मैं चौथी तीसरी में पढ़ता था, तो वो कह दिया करती इसको खड़ा भाई, तो मैं उसको खड़ाया करता था। कई दफा उसके पीछे मुझे मारी पड़ी। एक दिन क्या हुआ, तो वहां कहाँ पढ़ती थी तो मेरे बाप ने गुलेर रखी हुई थी, गुलेर कहाँ के सामने होते तो उड़ जाना। तो मैं उसको गोद में लिया हुआ था, मेरा पांव गुलेर के साथ लगा, मैं गिरा, वीर चंद भी नीचे और मैं भी नीचे, मुझे भी दर्द हुई, वो भी चल आया। माँ चौंके में रोटियां पका दी, उसे उठा, एक नहीं पूछा, दो नहीं पूछा, तीन चार पांच छह थप्पड़ मुझे मार दिए और फिर मुझे कहा इसको खिला बाहर। मैं उस बच्चे को लेके फिर बाहर खड़ाया, खिलाने गया। समझते हो? तो वो जगह मेरे सामने अब तक फिरती है, जैसे यहाँ काट है ना, बीच में सर रास्ता जाता है, तो चुरा था वहां पर, वहां मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा हे भगवान, इसके लिए मुझे रोज मार पड़ती है, या मैं मर जाऊं या ये मर जाए। 6 महीने के अंदर लड़का मर गया। ये मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे हैं। शास्त्री भी यही कहते हैं, मनसा बाचा कर्मना शुद्ध रहने की कोशिश करो। लेक्चरों ने, गाने बजाने ने तुम्हारा कल्याण नहीं करना, वो और मार्ग है, गृहस्थ का और मार्ग। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी फर्ज। तो गृहस्थ में रहते हुए क्या हमारा कानून है? अपने जाति मतलब या गर्ज के लिए जहां तक हो सके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। अपने बच्चों को प्रेम से रखने की कोशिश करो, घरों में शांति रखो। कया कदंतर जिस कर वसे, उस कर घरों पानी नसे। जितनी ये तकलीफें हमको गृहस्थ में आती हैं, हमारे बच्चों का मरना, हमारी औरतों का विधवा हो जाना, ऐसी वैसी जितनी बातें हैं, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, या पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म। पिछले जन्म के कर्म तो सब भोगने ही पड़ते हैं, और इसलिए इसे सत्संग रख दिया। आप माताओं आ गए हो, तुमको एक ही बात कहता हूँ, घरों में शांति रखने की कोशिश करो, प्रेम से रहो। वो भाइयाँ अगर नहीं बनती तो बेहतर है प्रेम और मोहब्बत से अलहदा हो जाओ, शांति रखो, तब तुम्हारा गृहस्थ का जीवन सुख से गुजर सकता है। नहीं तो रोगे पीटोगे। तो दाता ज्ञान इस ख्याल में का एक शब्द सुना देता हूँ। देखो मेरे प्यारे भाई, छोटे कर्म न करना। छोटा कर्म क्या है? अपनी जाति गरज के लिए किसी दूसरे का बुरा चाहना या बुरा करना। बुरा चाहना और बुरा करना एक ही चीज है। किसी ने बुरा किया या बुरा चाहा, उसका फल बुरा चाहने वालों को अवश्य में मिलेगा।
हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं गंदे मंदे ख्यालात, इसका असर दुनिया में नहीं होता, तुम भूल में हो, तुमको पता नहीं, तुम नहीं जानते। हमारे अंतर से जो कुछ निकलता है, ख्याल हाथ उठते हैं, हम किसी का बुरा ना करें ना, हमारे दिल में नफरत है, वो ख्याल भी इस ब्रह्मांड में जाते हैं। ये साइंस की न्यूटन की थ्योरी है। तुम हाथ हिलाओ, तुम्हारे हाथ की हरकत ऊपर के सितारों तक जाएगी, फिर वहां वापस आएगी। साइंस को तुम कहां ले जाओगे? जाके हम जो कुछ सोचते हैं इसका असर रहता है हमारे दिमाग पर, और इसका नतीजा फिर हमारे पर आता है। अगर इसका तुम सबूत चाहते हो तो सुनो, मैं तुमने कई साधु देखे होंगे, बड़े बड़े पिछले ऋषि, जिस आश्रम में वो तप करते थे वहां जंगली जानवर परिंदे जो आपस में मुतजाद थे, वो उनके इर्द गिर्द फिरते रहते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं करता था। ये वाक्या मैंने किताबों में तो पढ़ा, चश्मदीद कहता हूं। गगरेर के रस्ते पर एक अम्ब की एक बाड़ी आती है, शिवाजी बाड़ी सदे, उसमें एक साधु रहा करता था। 12 साल से तपस्या की, वे पता रह गया। हम जाया करते नील गाय, बघियार और जानवर सांप, ये सब उसके इर्द गिर्द साथ फिरते रहते थे, एक दूसरे को नुकसान कोई नहीं करता था। ये मैंने जैसम जीत देखा। 2 सांप थे उसके पास, एक लुंडा था जो जमीन पर चलता था, लाम फंग है, उसकी पूछ कटी, और एक दरख्तों में हरे रंग का सांप था, वो पत्तों में ऊपर फिरता रहता था। तो कोई ऐसी बात होती तो आदमी को आ जाता, अगर वो सांप फंकारता तो वो कह देता, लुंडिया आंगे तुम। ये मेरा चश्मदीद वाक्या है, ये शिवा की बारी। तो इससे ये साबित हुआ कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, इसका असर भी हमको मालूम नहीं होता, हमारे जिस्म पर और दूसरों पर पड़ता है। तुम देखो, जब जमाने में एक खास लहर आती है, खास ख्याल की लहर, जब पार्टीशन हुई, बड़े बड़े नेक आदमी, बड़े बड़े धर्मात्मा आदमी के दिमागों पर उसकी असर पड़ गया। ये संकल्प की दुनिया है, ये मनोमय जगत है। इस वास्ते गाता गाय का शब्द सुना दो भाई, मुझे थोड़ा रस मिल जाए। मैंने जो कुछ आपने कहा बड़ी दलीलें देकर कहा, तुम इसको अपने जीवन में घटाओ, अपने जीवन में घटाओ। कोल्ड वार, कोल्ड वार जानते हो ना, ठंडी लड़ाई, जहां घरों में ठंडी लड़ाई होती है, देर के बाद उसका असर बहुत बुरा निकला करता है। ठंडी लड़ाई का सबूत तुमको देता हूँ, कारो और पांडव जब बच्चे थे, गुरुओं के पास जाया करते थे, उनके दिलों में भुगत था। वो तो खेलते थे लड़ाई, गटका छक्का या तीर कमान, बाद वक्त सच्चे हो जाते थे, तो जो गुरु लोग होते थे वो उनको संभालते थे। नहीं समझ, वो जो उस वक्त की उनकी रोज रोज की कोलवार थी, वो महाभारत में बदतब्दील हुई, सारा क्षण तबाह हो गई। बड़ों की बातें बड़ा नुकसान करती हैं, छोटों की बातें छोटी नुकसान करती हैं। कटर बचर हम बोलते हैं, नफरत के एक दूसरे को ताने मारते हैं। तुमको याद है, जब इतिहास पढ़ो, जब हस्तिनापुर में क्या उसका नाम है, वो कौरव गए पांडव के महल में, तो आगे फर्श ऐसा था जो पानी मालूम होता था, तो दुर्योधन ने और उसके साथियों ने जूते उतार लिए, अभी पानी से जाएंगे। ऊपर द्रौपदी बैठी हुई थी, उसने क्या कहा, अंधों की औलाद अंधी होती है, ताना मारा। नहीं समझ में आया,
उसके कहने का नतीजा द्रौपदी में भुगता। ये है क्या? ये है संसार। इस वास्ते इसमें जहां तक हो सके अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखने की कोशिश किया करो। कठोर वचन मत बोला करो, गलत ताने न दिया करो। किसी को खट मारो तो जख्म तो ठीक हो जाएगा, मगर जो तुम्हारी जुबान कही हुई है, ताना मारा हुआ है, उसका जख्म ठीक नहीं होता। मैं वो सत्संग कराता हूं जिससे दूसरों का जीवन बन जाए। अगर मैं गीता के श्लोक पढ़ के तुमको सुनाऊंगा तुम्हें क्या गीता के श्लोक को पढ़ने से तुम कर जाओगे? मैं गीता भवन में गया, जा करता हूं बात तो गीता भवन वाले मुझे बुला लेते हैं सत्संग में, तो मैं उनसे ये सवाल किया करता हूं कि तुम गीता पढ़ाते हो? अगर हाँ, गीता किसने लिखी? व्यास ने। भागवत किसने लिखा? व्यास ने। मैं क्या भागवत में तो लिखा हुआ है कि जब ये पांचों पांडे मर गए तो युधिष्ठिर को भी चाई खरी का नर जाना पड़ा, क्योंकि उसने थोड़ी सी पालसी की थी। अश्वत्थामा आता ना जाना थी नरावा कुंजरा, ठीक नहीं की। अब जब वो नरक में गया, वहां अर्जुन और ये कर्ण और पांडव सब नरक में थे। अगर हम भागवत को सच्चा मानते हैं तो जिस अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, वो बगैर अमल के नरक में जा सकता है? तुम सुबह से शाम तक गीता का पाठ करते रहो, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम कहां जाओगे? अमली होम ने बेरे जो भी तुमको मिलता है, न गीता ने पार कराना, न मेरे बदन ने पार कराना, न राशि मत की पोथी ने पार कराना, और न कुरान शरीफ ने पार कराना, न तुम्हारे अमल ने पार कराना है। वो अमल क्या है? अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो। यही दाता डाल करके सुनाओ, मुझे रस मिल जाएगा। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न कर दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। ए मेरे प्यारे भाई, कॉल और ख्याल कर तब, दरिया से है मुशावा, कॉल और ख्याल, ख्याल और कर्तव्य बात एक ही है। कर्म हाथ से करो, पहले तो मन से होगा, फिर जुबान से होगा, फिर हाथ से होगा।
इस वास्ते मनसा बाचा कर्मणा शुद्ध रहना ही वेद मार्ग है। मैं वही सनातन धर्म की पुरानी तारीख को अमली पहलू में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मंत्र पढ़ने से क्या बन जाएगा? मंत्र पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, अगर तुम्हारा अमल ठीक नहीं है तो क्या करोगे आगे? चावल रख दो ना यहाँ। चलो कोई नहीं। मन इंद्रियों पे भाई जबते रखना तुम बराबर, मन इंद्रियों पे भाई जबते रखना तुम बराबर, जाबत बने रहोगे खुशहाल हो के रहना, जाबत बने रहोगे खुशहाल हो के रहना, ऐ मेरे प्यारे भाई अपनी नशे से रखना, तुम्हें आत्मा पे हर दम अपनी नशे से रखना, तुम्हें आत्मा पे हर दम आत्म स्वरूप रह कर संसार में बिचरना, आत्म स्वरूप रह कर संसार में बिचरना, ऐ मेरे प्यारे भाई। अब तुम देखो, तुम भागना जानते हो, कर्म जो जो हम करते हैं इनका फल जन्म जन्मांतरों में जाता है। हमारे कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों में जाता है। तुम भागवत को पढ़ो, जब भीष्म पितामह बाणों की सेजा पर 6 महीने पड़ा रहा तो श्री कृष्ण महाराज वहां गए, तो कहते हैं श्री कृष्ण जी मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे मैं ये क्या हो गया, मैं सूर्य की सेज पर टंगा हुआ हूँ। तो कृष्ण कहता है 2 जन्म तुझे देख, तूने एक सांप को कांटेदार झाड़ी से मारा था, उसकी सजा तुमको ये मिली है। अगर हिंदू फिलॉसफी ठीक है तो इस वक्त हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए मिलावट करते हैं, खाने की चीजों में हम मिलावट करते हैं। गवर्नमेंट का माल हड़प करते हैं, बसें जलाते हैं, स्ट्राइकें करते हैं, घिराव करते हैं अपनी बाकी गरज के लिए। तो कैसे उम्मीद कर सकती हो कि इस वक्त का जो भारतवर्ष के हमारा हाल है ये हमारी भारतवासियों के लिए फायदामंद होगा या नुकसान भी होगा? अकल वाले सोचते हैं। तुम एक शख्स की चोरी करते हो, एक शख्स को गुनाह तकलीफ होती है, एक पाप। जो शख्स गवर्नमेंट का मार खाते हैं, टैक्स नहीं अदा करते, चोरी करते हैं, ये 55 करोड़ आदमियों से पाप का से धोखा करते हैं। सोच लो क्या काम है। मेरे सत्संग में लोग आते हैं, टीवी दबा स्ट्राइक हुई, मैंने कहा जिन्होंने स्ट्राइक करनी है वो मेरे सत्संग में मत आओ, मेरा तुम्हारा कोई पहले जाओ। रेल वालों ने स्ट्राइक की, पब्लिक को कितने नुकसान पहुंचा,
ये जो स्ट्राइक करने वाले हैं ये अपने बुरे कर्म से बच के कहां जाएंगे? ये तो मुल्क का हाल है। तुम अपने घरों में देखो तुम लोग क्या करते हो। तो आज का सत्संग आपने कहा सत्संग दे दो, आप योग आए। मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं संसार को बताया जाता हूँ। कोई प्रसार होते हैं, किताबें निकलती हैं, कोई अमल करे या ना करे उससे तो मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा काम तो फकीर का काम है सजा देना। मैं सजा दिए जाता हूँ कि जो कुछ है इंसान तुझको मिलेगा वो तेरे अपने कर्म, तेरी अपनी नियत, तेरे अपने ख्याल, तेरे अपने कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ इस जन्मों के कर्मों का फल मिलेगा। लाख तुम बाबे फकीर किसी को गुरु बना लो, लाख तुम मंदिर में जाके माला फेरो, माला फेरने के वक्त में तुम थोड़े वक्त के लिए तुमको आनंद मिलेगा, मगर जो कर्म के चक्कर से है तुम नहीं बच सकते। बिल्कुल गलत, ये मेरा तजर्बा, मेरा ही क्या ऋषियों का तजर्बा। जो प्रारब्ध कर्म थे पांडवों के पिछले उनके प्रसार सती आगे कृष्ण महाराज अवतार थे वो उनकी सारथी जी को हटा सके। कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। अच्छा, अब मेरे दिल में ये सवाल आता है कि क्या इस कर्मों के बचने से कोई तरीका है कि हम बच जाएं? दावा तो कोई नहीं, अगर मान लिया तरीका ठीक है, क्या तरीका है मुझे उस तरीके का पता। ये महात्मा बैठा हुआ है, ये संत राम है यहाँ का, उसका लड़का है वीरेंद्र और दूसरे सतंगी व्यास, ये इनकी दया से पता लगा कि वो तरीका क्या है। लोगों के अंतर मेरे साथ प्रेम करते हैं मेरा रूप प्रकट होता है, उनको दुआइयां बता जाता है, उनके काम कर जाता है, पर्चे हल करा देता है, मरते समय ले जाता है। मैं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं। तो इससे मुझे ये ज्ञान हुआ कि उनके अंदर जो फकीर चंद प्रकट होता है दरअसल में मैं नहीं हूं, वो उनकी अपने मन की कल्पना है। जैसी जैसी को कल्पना करता है वैसा वैसा उसको फल मिलता। अगर आदमी को यह यकीन हो जाए कि मेरे अंदर में जितने संकल्प पुरते हैं विकल्प पुरते हैं ये वास्तव में है नहीं, पास्ते हैं, ये माया है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे अंदर जो फूरना फूरती है उसकी अपनी पुरते है फूरना फूरती है उसको वो अठक मानता है, फिर क्या होगा? उसके जो ख्याल उठे उसके अंदर में उनका असर उसकी दिमाग पर नहीं रहेगा। इस वास्ते ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म न हुई, जिसको ये उसके आगे प्रारब्ध कर्म नहीं बनते उसकी आगे प्रारब्ध कर्म नहीं उसके बन सकते, क्योंकि उसको तो ये ख्याल है ना कि जो एक संकल्प उठा वो समझता है ये माया है नहीं। जब उसने समझ लिया कि ये माया है उसको उसका असर नहीं ना आएगा, मगर जो उसने पिछले किए हुए वो भोगने पड़ेंगे। उसके आइंदा के ये कर्म नहीं बनेंगे ज्ञानी के, मगर जो पिछले किए हुए वो ज्ञानी को भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म के जाल से बचने का क्या तरीका है? माया के रूप को समझ जाना और अपने आप को अपने अंतर प्रकाश जो आत्म स्वरूप का जिक्र आया है या शब्द स्वरूप जो है तुम्हारा
उसकी तरफ अपने ध्यान को लगाना, लगाने से अगर अंत समय में तुमको प्रकाश आ जाए और शब्द आ जाए मरते समय, तुम्हारा कोई ताल्लुक मन के विचारों के साथ ना रहे, अगर उठे तो तुम उनको माया समझ के उनका असर ना लो, तो फिर तुम कहां जाओगे? फिर उस चोले में नहीं आओ। इसी का नाम है नाम जपना। नाम सिर्फ मुंह से राधा स्वामी या राम राम करने से नाम नहीं है। मुंह से गायत्री मंत्र को जाप करना या राम राम जपना ये नाम नहीं है। नाम है हमारी सुर का अपने अंतर प्रकाश और शब्द में लगा देने का नाम, नाम का जपना है। तो इसी वास्ते हमारे देखो ना, जब मरने लगता है क्या करती, दीवा जलाती, प्रकाश दिखाती, ज्योति दिखाते हैं, 10 दिन तक दीवा बढ़ता रहता। जब ले जाते हैं, बूढ़ा आदमी होता है, शंख बजाते हैं आवाज, ताकि मरने वाले की जो वृत्ति है, अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ ये, तो बेशक तुम ज्योति जलाते रहो, उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसी वास्ते हमारे ऋषियों ने हमको बच्चों से गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जागृत जो सवित्री रूपी है उसके दर्शन करो। वेदों का ये मूल मंत्र है। अब एक शख्स सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र माला ही फेरता रहता है, उसको इतना फायदा नहीं है, कुछ थोड़ा। जब तक कि तुम अपने अंतर साधन करके प्रकाश को प्रदर्शित नहीं करते, तो मैंने दोनों तरीके थोड़े लफ्जों में बयान कर दिया। दुनिया में रहने के लिए शिव संकल्प, और अगर दुनिया से पार जाना चाहती हो तो किसी सतपुरुष की संगत में लेकर बात को समझो और अपनी तवज्जो को प्रकाश और शव में ले जाने का साधन करो। ये गायत्री, गायत्री कहते हैं, गायत्री का तुम्हारे पास है लिखा हुआ? नहीं। अच्छा, गायत्री तीन किस्म का गाना, गायत्री तीन किस्म का गाना और प्रकाश का साधन। जो शब्द अपने अंतर में इस तीन किस्म के गाने को गाता है और अपने अंतर सावित्री प्रकाश सूर्य रूप है उसको दर्शन करता है, उसका कल्याण होता है। इस जन्म मरण के चक्कर से वो बचता है, बाकी सबको जन्म मरण के चक्कर से रिहाई नहीं हो सकती। तो मैंने इस सत्संग में आपको परमार्थ भी बता दिया और स्वार्थ भी बता दिया। क्योंकि मन महाचंचल है, ये ठहरता नहीं। हम बात समझ भी जाते, अरे तुमको क्या कहूं, मैं 88 साल का हो गया, मैं गिरता रहता हूं, मैं इसका इलाज है पहले अच्छी संगत, तो बस अच्छी किताबों का अध्याय एक, दूसरे थोड़ा थोड़ा साधन रोज किया करो अपने अपने मत के अनुसार, ताकि रोज रोज के साधन करते रहने से तुम्हारी अवस्था परपक हो जाए। यह है इसका इलाज, सत्संग और साधन। मगर सत्संग उनका करो जो आमिर हो, जो प्रकाश में साधन करने वाला हो, जो अपने अंतर सावित्री के दर्शन करने वाला हो। आजकल तुम देखो हर एक मध्य में लेक्चर देते हैं, अपना उनका कोई इल्म नहीं, किताबों के हवाले देते हैं, अपनी उनका कोई अपनी जिंदगी का कोई सवाल नहीं है। इसलिए माता तुम लोग आए, इन्होंने बुलाया, मेघराज ने कहा सत्संग करा दो, जिस मैंने आपको मुक्ति में सब कुछ बता दिया। अमर करना आपका काम है, मन महाचंचल है, इसको काबू करना कोई आसान काम नहीं, इसका इलाज है। चलते रहो, चलते रहो,
हम गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं। बच्चा है, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता है। अगर वो गिरे ना तो वो पक्का नहीं होता। तो हम में कमजोरियां हैं, मुझ में भी है, आप में भी है। तो आस्ते 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 चलते रहो, एक बात। बाकी ये है, हम हाय हाय करते हैं। किस्मत इंसान की एक गर्मी है, समुद्र से फड़ो उतना ही पानी आएगा, दरिया में रखो उतना ही पानी आएगा, नलके से फड़ो उतना ही। काहे को हाय हाय करती हो? लिखिया लड़ा चले नहीं चारा, भावी को में इस वास्ते सबर। और तो जैसा मर्जी चाहे आप अपना जीवन को गुजारने का कर ले। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ आपको कह दिया, बस अब आरती कर लो। आपका मतलब पूरा हो गया? ज्यादा कहते कहते क्या हो गया? कहता कहता हो गया विचार गो। जब कोई इसी वास्ते सत्संग में उन आप लोग बुलाते हैं सत्संग, मैं इसके बरफड़ा हूं। भूखे के लिए रोटी है, प्यासे के लिए पानी है, बीमार के लिए इलाज है। एक आदमी दुखी नहीं है, वो परवाह नहीं करता, उसको तुम लाख उपदेश करो, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। जगत मैं नहीं मानता, जगत हर शख्स जरूरतमंद आदमी के लिए सत्संग, भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी। ये तो संसार का रवाज है, चलो जी सब महात्मा आया है चलो सत्संग। कोई चीज ख्याल से जाते हैं कि देखो ये बंदे विशाखपुर से आया क्या कहता है, वो ये देख वो देखना चाहते। कोई कहता है ये हुक्का पीता है, कोई कहता है पड़ा हुआ नहीं है, ऐसे अपने अपने ख्याल होते हैं। इस वास्ते सत्संग गर्ज का सौदा है, जिनको गर्ज हो वो जाए, जिनको गर्ज ना हो क्या फायदा। बेफायदा अपना वक्त जाया करते हो। तो आपने उनको बुला लिया, मैंने जो मुनासिब समझा गृहस्थियों के लिए, परमार्थ की बात भी कह दी और गृहस्थियों के लिए भी बात कह दी। पर जो आरती कर रहे भाग का रहे। सुबह भी मैंने कहा था भाग पूरी नहीं जाना। भाग क्या
तुम पाप में ये रहते हो, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, डिप्टी कमीशन हो जाओ, पाप कहते हैं हिस्से को। जो हमारा जो आत्मा है, हम जो हैं, इसके जो एहसास हैं जिस्मानी मानसिक और आत्मिक, ये हमारे पाप हमारे सेल्फ का हमारी विश्वरूप का ये हिस्से है। जो आदमी साधन करता है अपने अंदर, उसके ये ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ये डिवेलप कर जाते हैं और उनमें उन चीजों की खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, बेफिक्री आती है। इसका नाम है भाग पूर्ण जाग। जो सेल्स हमारे दिमाग के अंदर, साइंस मौजूदा ये साबित करती है, हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से हैं, एक भूरे रंग का है और एक सफेद रंग का है। भूरे रंग में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका तर्क हमारे जिस्म से है। अगर एक नाड़ वो सेल्स खराब हो जाए, कहीं हाथ रह जाएगा, कहीं अंधा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ये डॉक्टरों का असूल है। तो जिस आदमी का खून इस दिमाग के अंदर दवा करता रहता है रेगुलरली, उसकी वो जो सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं और उन सेलों का जो लुत्फ है या आनंद है या खुशी है वो इंसान को मिलती है। मैं पाप के मैंने ये समझता हूँ, अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, विवेक आ जाता है, खुशी मिलती है, बेपरवाही आ जाती है। मैं इसको भाग समझता हूँ, ये मेरा अनुभव है अपने, क्योंकि उसको ख्याल मिला हुआ होता है, उसके अपने ही ख्याल से उसको संसार में भी सुख मिलता है, संसार में भी उसको आनंद मिलता है, दुनिया भी उसकी जिंदगी में काम पूरे मेरे होते रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ कैसे होते हैं। तो जो शख्स इस नाम को जपता है, साधन करता है, मगर साधन का अधिकारी कौन है? जब तक किसी का इखलाक ठीक नहीं है वो साधन को क्या करेगा? वो साधन उसको खा जाएगा। मैं इसी वास्ते नाम ही दुनिया को देता। गंजे को नाखन दो तो वो अपना सिर खुजलेगा। मैंने 1922 के बाद दुर्गादास किसी को चेला नहीं बनाया, ना बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनाया? मैं आगे कहा कहता हूँ, मेरे पास घटना हुई। एक जबलपुर से एक औरत आई, उसके 3 लड़के, उसका खावन, वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी, लाल रंग का सूरज और मृदंग की आवाज सुनती थी। तो वो मुझे कहती है, दाता जार बच्चे 3 में बहुत तंग कर लिया, अभ्यास वक्त नहीं, मेरे खत्म में कौन इन मेरी मदद पीता करें। तो मैंने उसे पूछा, तेरी माँ है नहीं, सस है नहीं, और वो है नयान है नहीं, उसका फोन 8 बजे जाता है, रात के 10 बजे आता। अब मैं जानता हूं ना कि जो आदमी साधन करता है उसकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। जो आदमी वैजस्वी का जाप करता है, दूसरे महीने में अपने अंदर सावित्री को देखता है, यूं समझ लो, खाए किसी वैजस्वी का मुंह से ना कहे सावित्री को कर्ण करता है, 3 किस्म का गाना गाता है, उसकी कुबे तैराजी पूरी होनी चाहिए। तो उसको तो मैंने नहीं कहा, वही हकीम को मैंने बोला, वही मैं एक बात कहूं, कहेगा हाँ। मैंने कहा मेरा इलम कहता है कि 3 बच्चे भरेंगे। वो चली गई, 9 महीने के अंदर जितनी आएंगे उनके 3 बच्चे मरेंगे। मैं डर गया। मैंने कहा अगर मैं सब लोगों को नाम देता जाऊंगा तो ये तो अपने गलत ख्याल से अपना नुकसान कर लेंगे। मैंने नाम नहीं दिया। मैंने नाम क्यों नहीं देता, मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, अगर मैं 8 चेले बनाए हुए होते, 2-2 रुपए भी महीना मुझे देते, अगर 1000 चेले होते तो 2000 रुपया मुझे महीने घर बैठे आ जाता। मैंने नाम नहीं दिया, मगर ये बात मैंने कही है। दूसरी जगह जाओ, जितने को नाम दिला दो तुम्हारा बेड़ा पार है, ऐसा कह देते हैं। मैंने कहा नहीं। मैं गया
अपने गुरु महाराज के गुरु महाराज के समाधि पर आगे वहां से मैं प्रेम वाणी ले आया। उस प्रेम वाणी में हजूर महाराज ने लिखा है, जिन शख्सों के मन गंदे हैं और अपने गलत ख्याल को रोक नहीं सकते या रोकना नहीं चाहते, उनको ये शब्द शब्द योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अर्धाध नुकसान होगा। दो दवाएं पहले में लिखा हुआ। हमारे यहाँ क्या है, शूद्र अगर गजत्री मंत्र, गजत्री मंत्र है क्या, ज्योति का दर्शन और गाना, यह ज्यादा स्वामी मत है। मैं नहीं समझता सनातन में या राष्ट्रीय मत में या संतों के मार्ग में क्या फर्क है, लफ्जों का फर्क है, अमल का कोई फर्क नहीं। तो मैंने नाम नहीं लिया। अब हिंदुओं में क्या कहते हैं, जो अगर शूद्र गजत्री मंत्र सुन ले तो उसके कान में सिक्का पड़ गया। शूद्र कौन है, जिसके मन गंदे हैं, इसलिए जिनके जिनका पहले अखलाक ही ठीक नहीं है उनको ये आजकल ये नाम गुरु लोग नहीं देते। मैं बस ये कहा करता हूँ, ये नाम नहीं देते, ये जहर देते हैं। ये लोगों को नाम नहीं देते। नाम का मुंह शक है कौन, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजे तेरे साथ दिल जग। नाम उनके लिए है। आम दुनिया हम लोग गुरुओं ने तो हम लोग दुनिया को नाम नहीं दिया, अपना नाम रखने के लिए नाम दिया है। तो मेरे इतने हजार चेहरे, मेरा इतना बड़ा भारा आश्रम, मेरा इतना ये, मेरा इतना ये, मैंने नहीं दिया। अब तो मैं सत्संगों में बस रहा कहता हूँ, ये लोग नाम ही लेके जा देते हैं लोगों को, ये नाम नहीं दे। सबसे पहले काफी दिना सत्संग करना चाहिए, पहले अपने अखलाक को ठीक करना चाहिए। हाँ, अगर कोई गंदा आदमी है वो मन को रोक नहीं सकता, रोकने की उसकी जबरदस्त ख्वाहिश है, वो अगर तुम्हें ध्यान करेगा तो उसकी बुराइयां चली जाएंगी। जिस किस्म की वासना लेकर तुम अभ्यास करोगे तुम्हारी वो वासना पूरी होगी, लाख एक बात बता देता। जिस किस्म की तुम्हारी वासना है जब तुम अभ्यास करोगे वो गंदी है, ज्यादा गंदी हो जाओगे, अच्छी है ज्यादा अच्छी हो जाओगे। मैंने सच्चाई मांगी थी तो सच्चाई क्या, मैं जिस खास के लिए अभ्यास किया मुझे सच्चाई नहीं। तुम समझ रहे हो महात्मा के ही समझ में आती है, क्या कहा मैं? तो मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, अब मैं छुट्टी चाहता हूँ, सबको राजा। चलो भाई, किसी चीते ने हमला किया